Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I hope आप सब ठीक होंगे. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि how to get copyright free images from Google. आप Google से copyright free images कैसे डाउनलोड कर सकते हो free of cost. आपको images के लिए कोई pay करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई copyright issue आएगा. तो कैसे ऐसी photos डाउनलोड करनी है जिसको आप use कर सकते हो बाद में अपनी YouTube videos के अंदर, अपने blog के अंदर या अपनी website के अंदर कहीं भी use कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा. तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल. अब अगर सोचो एग्जांपल के तौर पर आप गए लाहौर, आपने एक वीलॉग बनाया लेकिन आपने ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं की. आपको फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत है जो आप यूज़ करने वाले हो अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपनी वीडियो के अंदर. तो आप सिंपली सर्च करोगे लाहौर. आप कुछ भी सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. देन आपने क्लिक करना है इमेजेस पर. इमेजेस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम इमेजेस आ जाएंगी जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है. आप देख सकते हो लाहौर की तमाम पिक्स आ गई हैं. ठीक है, अब यहाँ से आपने कोई भी पिक नहीं उठा लेनी है. ठीक है, उसके लिए आपने जाना है टूल्स पे. ये आप देख रहे होंगे टूल्स. देन आपने यूजेज राइट्स ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है. देन आपने सेलेक्ट करना है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस. ठीक है, ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है. इसको सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी फोटोज आ रही है ना, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर या थंबनेल्स जहाँ पर भी आपने यूज़ करना है. ठीक है, ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं. पर मेरा जो है ना, मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको वो ये है कि यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक डाउनलोड की. मैं करके बताता हूँ आपको. जैसे ये पिक आ गई है तो आपने क्या करना है, इसको दो पे ओपन करना है या कोई भी टूल जो आप यूज कर रहे हो. ठीक है, ये पिक तो ठीक नहीं आई, चेंज करते हैं. मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अच्छी सी कोई पिक ले लेनी है जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो. कोई भी पिक ले ली, उसको आपने इस तरह से सेवास कर लेना है. देन आपने इसको अडोब में ओपन कर लेना है. यहाँ से आपने जाना है इमेज पर, ऑटो टून कर लेना है इसको, कॉन्ट्रास्ट और चॉइस कर लेना है और ऑटो कलर कर लेना है. ठीक है, ये करने के बाद अगर और भी कुछ आप फर्दर मॉडिफाइड करना चाहते हो, कुछ भी एडिटिंग आप कर सकते हो. एडिटिंग करने के बाद आपने जब सेव करनी है, देन आप अगर यूज़ करोगे ना तो कोई भी जीरो कॉपीराइट इशू आएगा. ठीक है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा आपकी वीडियो पे या जहाँ पर भी आप इस इमेज को यूज़ करोगे. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह आपको अपडेट्स मिलती रहे. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़.